आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कटहल की सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। इस सब्जी को आपने कई बार बनाया होगा, पर इस तरीके से एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम कटहल लिए हैं। कटहल को मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो मैंने कटहल की सब्जी के लिए बड़े बड़े टुकड़े किए हैं, जिससे हम कटहल की सब्जी बनाएंगे तो ये टुकड़े उसमें गलेंगे नहीं। तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। अब सबसे पहले लेंगे हम एक कुकर। अब कुकर के अंदर हम ये कटहल डाल देंगे और अब उसमें डालेंगे पानी। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, 1 और आधा। अब इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। मैं खड़े मसाले इसे उबालते समय ही डाल रही हूँ। अगर आप जब सब्जी को फ्राई करते हैं तब डालना चाहते हैं तो उस समय भी डाल सकते हैं, पर इस तरह खड़े मसाले इसमें डाल देने से जब हम कटहल को उबालते हैं तो सारे खड़े मसाले का फ्लेवर कटहल में आ जाता है। तो ये मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे। और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, जिससे उबालने के समय नमक का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। और 1/4 चम्मच हल्दी। और अब सारी चीज़ें डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा के इसे हम गैस पे रखेंगे और 1 सीटी लगा के इसे उबाल लेंगे। सिर्फ हमें 1 सीटी ही लगा के इसे उबालना है। ये देखिए, मैंने 1 सीटी लगा के इसे उबाल लिया है। बस हमें कटहल को 1 सीटी लगा के ही उबालना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कटहल अभी पूरी तरीके से नहीं गला है और ना ही पूरी तरीके से पका है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया। अब एक छन्नी लेंगे और इस तरह से छान के सारे कटहल के पीस इस छन्नी में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटहल को इस तरह से छन्नी में छान के ले लिया है और जो पानी बचा था उसे हम इस तरह बाउल में निकाल लेंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए अब सब्जी बनाने के लिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो चलिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। कटहल की सब्जी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, अगर आप थोड़ा सा कम डालना चाहते हैं तो कम डाल के भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 5-6 दाने मेथी के, खड़ी मेथी, और 5 मैं लाल मिर्च ले रही हूँ साबुत वाली, और 5 कली लहसुन। लहसुन को मैंने काटा नहीं है, बिना काटे ही बना रही हूँ। बहुत ही कम मेहनत में इस सब्जी को बनाएंगे। अब डालेंगे प्याज। प्याज को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, इस तरह लच्छों में काटा है, बारीक टुकड़े नहीं किए हैं, इस तरह से बड़े बड़े लच्छों में काट के लिया है। ये मैंने 3 बड़े आकार के प्याज लिए हैं। कटहल की सब्जी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डलता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे डाल देंगे, प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे भूनेंगे। ये देखिए, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। ये मैं 1/4 चम्मच हल्दी ले रही हूँ। हल्दी कम ही डालेंगे क्योंकि कटहल को उबाला था जिस पानी में, उसमें भी हल्दी है, उस हल्दी वाले पानी को हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कम ही डालें। 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना तीखा आपको पसंद हो। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। और अब प्याज के साथ मसालों को भून लेंगे। प्याज भी अब अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, इस तरह से जिस तरह प्याज काटा था। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे प्याज और टमाटर जल्दी से गल जाएंगे।
और अब यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिसमें हमने कटहल उबाला था वही वाला पानी डालेंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके सॉफ्ट होने तक 5 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, हम देख लेते हैं। तो ये देखिए जो पानी हमने इसमें डाला था वो अच्छे से सूख गया है, अब तेल भी ऊपर आ गया है। इस तरह का एक मैशर लेंगे, पोटैटो मैशर, और उससे हम इसको मैश कर लेंगे, जिससे हमने प्याज टमाटर और लहसुन को बड़े टुकड़ों में डाला था वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये मसाला अब अच्छे से भून गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम डाल देंगे ये कटहल जो हमने उबाल के रखा था और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम ये ग्रेवी वाली बना रहे हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने कटहल को उबालते समय भी नमक डाला था और मसालों को भूनते समय भी, इसलिए स्वाद के अनुसार आप नमक डालें। और अब डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला या फिर सब्जी मसाला, आपके पास जो मसाला हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक और पका लेंगे। तो चलिए सब्जी को ढक के पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए सारे मसालों के साथ ये सब्जी कितने अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, सबसे लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, इससे बहुत अच्छा खट्टा और चटपटा टेस्ट आएगा। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी ये कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। कटहल की सब्जी को सर्व कर लिया है, आप इस तरह से एक बार इस सब्जी को बना कर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।